एवरी वन अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एट अग्लैंस स्टूडेंट आज मैं फिर एक टॉपिक लेके आई हूँ फ्रूट साइंस से रिलेटेड तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं कौन से टॉपिक मैं लेके आऊँ आई हूँ तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ये देखिए टेम्परेट फ्रूट क्रॉप ओपन हो गए हैं तो इसमें मैं आज सोच रही हूँ आप लोगों को बोटैनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा देती हूँ माइनर टेम्परेट फ्रूट क्रॉप का सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे टेम्परेट फ्रूट क्रॉप यहाँ मैं लिखी हूँ अपनी कॉपी में आप लोगों को दिखा देती हूँ टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स जो होते हैं वो उनको एक स्पेशल क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है और वो बहुत ही मीन्स लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और उनको बर्ड के डॉर्मेंसी के ब्रेक करने के लिए एक चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जब उनको एक चिलिंग टेम्परेचर जो उनका फ़िक्स है हर पर्टिकुलर फ्रूट टेम्परेट फ्रूट क्रॉप का अलग अलग चिलिंग टेम्परेचर होता है फ़ॉर एन एग्ज़ाम्पल पीयर की होती है ट्वेल्व uh, हंड्रेड से समथिंग फिफ्टीन हंड्रेड आर्स चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो और सबसे कम जो होता है वो पीच का होता है चिलिंग रिक्वायरमेंट या कह लीजिए चिलिंग टेम्परेचर तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उनको आप इस तरीके से जान सकते हैं जो भी फ्रूट क्रॉप जो कि कोल्ड सीजन में ग्रो होते हैं या फिर जिनको बहुत कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होते हैं अपनी बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए वो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप कहलाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल हो गया पियर हो गया प्लम हो गया एप्रिकॉड आलमंदट्रा ये सब आप पूछते देखे होंगे जहाँ जिस रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या फिर कोल्ड होता है फॉर एन एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ पर एप्पल पियर प्लम एट्सेट्रा ये सारे फ्रूट क्रॉप्स पाए जाते हैं आप नॉर्थ इंडिया में एप्पल का प्लांट नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो एप्पल के ग्रोइंग के लिए सुटेबल नहीं होता है एंड ये सारे जो है हमेशा विंटर सीज़न में ही ग्रो करते हैं और फिर ग्रो विंटर सीजन में ग्रो होने के बाद इनको एक्सपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो तो, तो माइ हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे हम लोग माइनर फ्रूट क्रॉप्स पढ़ रहे थे माई स्पेशली माइनर टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स तो माइनर फ्रूट्स क्रॉप की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं या फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को माइनर फ्रूट क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो कि पीपल्स uh, के द्वारा कंज्यूम तो किए जाते हैं बट उनको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल एरिया पर ग्रो नहीं किया जाता है उनका प्रोडक्शन जो किया जाता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन नहीं किया जाता है मीन्स उनके ज़्यादा मेज़र क्रॉप्स जो हो गए मेज़र फ्रूट फ्रूट क्रॉप जैसे कि मैं यहाँ पे एप्पल पीअर प्लम वगैरह के बारे में बताई थी ये मेजर टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स हैं और फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे कि करंट हो गया रैसबेरी ब्लूबेरी एट्सेक्टर ये सारी जो है माइनर फ्रूट क्रॉप्स हैं कंज्यूम तो किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा बट जो है इनको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे ग्रो नहीं किया जाता इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है अक्सर आप लोगों को या तो रोड साइड पर या फिर वेस्ट लैंड पे या फिर जो है आप लोगों को किचन गार्डन वगैरह में छोटे अमाउंट में ग्रो हुए मिलेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग अगर चाहें तो माइनर फ्रूट क्रॉप्स और टेम्परेड फ्रूट क्रॉप्स का जो मैं ये शॉर्ट नोट बना रखी हूँ वो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं एंड अब हम लोग देख लेते हैं जो मेरी आज की टॉपिक थी वो थी बोटानिकल क्लासिफिकेशन माइनर टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स की मा, तो माइनर फ्रूट क्रॉप्स में आप देख सकते हैं कि ये सारे फ्रूट क्रॉप्स हैं माइनर के एंड एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कर कई माइनर फ्रूट क्रॉप्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज भी हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके या फिर पास करके दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कुछ के बारे में जैसे कि करंट करंट को का जो है यूरोपियन ब्लैक करंट हो गया अमेरिकन ब्लैक करंट और रेड करंट ये तीन तरीके के करंट फ्रूट्स आते हैं या फिर फ्रूट जो कि माइनर टेम्परेट फ्रूट है करेंट उस, उसके तीन स्पीसीज़ हैं यूरोपियन ब्लैक करंट को रेबीज नैग्रम कहते हैं और ये सेक्सी फ्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है उसी तरीके से अमेरिकन ब्लैक करंट जो है उसकी स्पिस चेंज हो जाती है रैबीज़ तो सेम है तीनों में बट अमेरिकन ब्लैक करंट को अमेरिकेनम बोला जाता है रेड करंट को रेबीज़ रोब्रम बोला जाता है या फिर सेटाइमम भी बोला जाता है उसी तरीके से गूजबेरी आ जाता है इसमें गूजबेरी को रेबीज स्पीसीज बोला जाता है एंड अमेरिकन गूजबेरी को रेबीज़ हटेलम ये भी जो है सैक्सीफेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और रेसबेरी जैसे कि गूजबेरी हो गया और फिर रेसबेरी रेसबेरी जो होता है वो भी आ, स्टूडेंट यहाँ पे कॉलम में जो लिखा हुआ है वो प्रोपगेशन लिखा हुआ है बट ये कॉलम जो है वो फैमिली की है ठीक है तो ये सेक्सी फ्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है तो ब्लूबेरी की अगर बात करें तो इसकी फैमिली चेंज हो जाती है वो है देख लीजिए आप लोग इरी केसी फैमिली से बिलोंग करती है और ब्लूबेरी में हाई बुश ब्लूबेरी आती है और पूरी ब्लूबेरी वैरायटी जो ब्लूबेरी फ्रूट जो है वो उसके जीनस जो है वैकुनियम कहलाती है और सबकी स्पीसी जो है वो चेंज हो जाती है ठीक है तो स्टूडेंट इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था बताने वाला ये लर्न करने वाला पोर्शन है तो मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये ना हो तो माइनर फ्रूट क्रॉप्स की लिस्ट बोटैनिकल क्लासिफिकेशन या फिर माइनर टेम्परेड फ्रूट क्रॉप्स की बोटैनिकल क्लासिफिकेशन उसको कह सकते हैं एंड लास्ट में ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, है ये पेपर में पूछा जाता है जो कि चाइनीज गूजबेरी और कीवी बेरी और कीवी फ्रूट ठीक है कीवी फ्रूट हमारे हेल्थ uh, के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंस्टेंट ब्लड प्रोड्यूसर इसे से बोला जाता है अगर किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड की या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो फिर उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कीवी खाइए अगर पड़े एक कीवी खाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा ब्लड फॉर्म हो सकता है ठीक है तो ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके बोटेनिकल नेम एक्टिनिडा चाइनेसिस होता है एक्टिनिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है इसको चाइनीज मेरेकल फ्रूट्स के नेम से भी जाना जाता है ठीक है स्टूडेंट जैसे मैं पहले भी बोली अभी भी बोल रही हूँ ये जो टॉपिक मैं आज लेके आई थी वो सिर्फ़ आप लोगों के लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था एग्ज़ाम में इनमें से एक आध का हो गया बोटेनिकल क्लासिफिकेशन पूछ लेगा या फिर फैमिली पूछ लेगा तो आप लोग यहाँ से देख ले सकते हैं और अगर आपके पास ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्टूडेंट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इतने लेट वीडियो आने का रीज़न यही था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी इसलिए मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी तो उसके लिए सॉरी और uh, मैं जहाँ भी गई थी एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाई थी तो मैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर उसको भी डाल दूँगी तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एंड वीडियो मैं यहीं पे अपना एंड करती हूँ अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो अपने स्टूडेंट जो भी या फ्रेंड्स हो गए उसके बीच उनके बीच में आप शेयर कर सकते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में ये कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ओके थैंक यू